प्लेट प्रेजेंट चैप्टर थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, यानी कुछ चीजों के बारे में सोचिए। स्कूल बैग, एक मच्छर मॉस्किटो, टेबल, पीपल ऑफ सिटिंग डेस्क, यानी लोग डेस्क पे बैठे हैं, पीपल मूविंग अबाउट या घूम रहे हैं, मे बी ए बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, ए फैक्ट्री, ए स्टोन, ए हॉर्स, ए बॉल, ए बैट, ए मूविंग ट्रेन, ए शोइंग मशीन, ए वॉल क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक, मेक योर लिस्ट एज ए लार्ज एज यू कैन। तो आप बहुत सी चीजें हैं जो आप देखते हो। विच ऑफ दीज आर मूविंग विच आर एट रेस्ट, तो अभी हमने ये सोचना है कि इनमें से चलती हुई चीज कौन सी है और एक जगह खड़ी हुई चीज कौन सी है। ठीक है, तो उसके अंदर ये है, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, तो आप कैसे पता करोगे कि वो मोशन में है, रेस्ट में है, यानी चल रहा है या खड़ा है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम, पक्षी एक जगह पे नहीं रहते, हमेशा दूसरी जगह चले जाते हैं। वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, जबकि मेज एक जगह पे है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन, इसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज रेस्ट में है, कौन सी, जो अपनी जगह बदलता है वो रेस्ट, वो मोशन में होता है, जो एक ही जगह रहता है वो रेस्ट में होता है। लुक, लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट, एक चिट्ठी के बारे में हम सोचते हैं। स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द ग्राउंड, एक सफेद पेज की एक ग्राउंड पे फैला दीजिए, एंड कीप ए लिटल शुगर ऑन इट, और थोड़ी चीनी छिड़क दीजिए। एंट्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर, चींटियां शुगर पे आई हैं, एंड यू विल फाइंड मैनी एंट्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ द पेपर सून, और जल्दी आप देखोगे कि जो शीट ऑफ पेपर है उसके ऊपर बहुत सी चींटियां रेंगने लगती हैं। फॉर एनी वन आर्ट ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विद ए स्पेशल पेंसिल नियर इट्स पोजिशन वेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, तो आप पेंसिल से उसकी जो है जहां जहां से वो चली है निशान लगाते जाइए। कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स एट इज मूव अलोंग द शीट ऑफ पेपर, तो जैसे जैसे पेपर की शीट पे चलती है हम निशान लगाते जाएंगे। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द आंट, उसके बाद पेपर को झटका लीजिए, उसमें शुगर भी बाहर हो जाएगी, आंट भी हो जाएगी। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड, तो आपने जो निशान लगाए थे उनको जोड़िए विद एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वाज मूविंग, तो वो डायरेक्शन पता चलेगी जिसमें आंट मूव कर रही है। ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शो वेयर द आंट मूव्ड टू इन इंटरवल्स ऑफ ए फ्यू सेकेंड, तो जहां जहां पे चिट्ठी गई है आप उस पे पता चल जाएगा कौन से रास्ते से वो गई है। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो आपने देखा कि समय जैसे जैसे बीतता गया, सेकेंड बढ़ती गई, वो चिट्ठी की जगह भी बदलती चली गई। इन एक्टिविटी फाइव वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट लाइक ए क्लॉक, ए शूइंग मशीन और एन इलेक्ट्रिक फैन, अब इसके अंदर आप एक घड़ी को या कपड़ा सीने की मशीन को या फैन को कहां पे कौन से में रखेंगे, मूविंग में और नॉन मूविंग में। आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या ये एक जगह से दूसरी जगह गए, नहीं गए, ये तो अपनी जगह पे खड़े हैं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ अदर पार्ट्स, लेकिन इसके दूसरे पार्ट मूव कर रहे हैं, द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग, वो कैसे मूव कर रहे हैं। इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ ए ट्रेन, क्या इनका मूवमेंट ट्रेन की तरह है, तो ट्रेन की तरह तो नहीं है, ट्रेन तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये राउंड अबाउट घूमते हैं, एक पॉइंट के चारों तरफ घूमते हैं। लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस, अब हम मोशन देखते हैं जो इनमें डिफरेंस बताएंगे। पहला है टाइप्स ऑफ मोशन, यू हैव बीन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक रोड पे आपने व्हीकल को देखा वो मूव कर रहा है, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स या सोल्जर पीटी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परेड कर रहे हैं, और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन या एक पत्थर गिरता है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये कैसा मोशन है। स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस भागने वाले खिलाड़ी मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, एक सीधी ट्रैक पे घूमते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, तो अपने सराउंडिंग से आप और एग्जाम्पल भी ये कलेक्ट कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाती है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि वो एक सीधी रेखा में चलते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, इनको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, सीधी लाइन में चलने वाला मोशन कहते हैं। टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट, एक पत्थर लीजिए, धागा बांध लीजिए,
एंड वर्ल इट अराउंड योर हैंड, और अपने हाथ के चारों ओर घुमाइए उसको। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन्स मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो वो एक गोलाई वाले पाथ में घूमता है, रस्ते में घूमता है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, इसमें आपके हाथ से पत्थर की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो जैसे क्लॉक भी है वो भी गोलाई में घूमता है, बीच वाले पॉइंट से उसकी दूरी हमेशा बराबर होती है, या फैन के ब्लेड्स हैं वो भी गोलाई में घूमते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन है। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्फ्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपने आप में एक जगह दूसरी जगह नहीं जा रहे वो, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, तो ब्लेड या क्लॉक के जो हैंड है सुइयां हैं वो सर्कुलर मोशन में ही घूमती हैं। इफ यू मार्क ए पॉइंट एनी वेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फैन ऑफ द क्लॉक विल रिमेन द सेम, यानी अगर कोई पॉइंट लगा दें हम ब्लेड के ऊपर तो वो अपने उसका जो बीच का बिंदु है ना जहाँ के चारों तरफ एक्सिस बोलते हैं वो घूम रहा है उससे हमेशा बराबर दूरी पर रहता है। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसों में क्या है कि कोई चीज मोशन को रिपीट करती है, यानी उसी मोशन में बार बार चलती रहती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। टेक ए स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी सिक्स, तो वही स्ट्रिंग वाला है या पंखे वाला है, जैसे हमने एक चक्कर पूरा कर दिया तो वो स्टोन वहीं जगह आ जाता है जहां से शुरू हुआ था, उसके बाद वो फिर घूमता है, यानी एक ही रास्ते पे वो चलता रहता है बार बार, इसको मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये रिपीट करता है। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, अब उसको आप हैंग कर दीजिए वो लटकने लगेगा नीचे। पुल द स्टोन टू वन साइड एंड द अदर हैंड एंड लेट इट गो, अब उस स्टोन को एक तरफ खींच लीजिए ऊपर की तरफ और छोड़ दीजिए। दिस इज ए पेंडुलम, अब ये पेंडुलम बन जाता है। समथिंग टू हैव ए लॉट ऑफ फन विद द समथिंग दैट विल हेल्प, तो ये पेंडुलम क्या करता है कि जो इसका बोब होता है वो पत्थर है वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। दिस इज ए पेंडुलम, लॉट ऑफ फन कर सकते हो आप इसके साथ। अबाउट द पीरियडिक मोशन, मोशन ऑफ ए पेंडुलम ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूव टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जैसे झूला झूलते हैं हम वो भी इधर उधर जाता है, तो एक ही पॉइंट के मेन पोजीशन पे कभी इधर जाता है कभी दूसरी साइड में जाता है। स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार की स्ट्रिंग को हम हिला दें तो वो ऊपर नीचे करने लगती है। सरफेस ऑफ ड्रम्स तबला वगैरह की जो सरफेस होता है वो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो भी ऐसे ही करती है। तो ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक मोशन, तो ये सभी के सभी जो हैं पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। ये जो स्ट्रिंग वगैरह के आपने देखे ये दे रखे हैं डायग्राम। एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल टाइम, उसमें क्या होता है कि जिसमें एक निश्चित समय के बाद उसका जो कोई हिस्सा उसी मोशन को दोबारा रिपीट करे तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। डिड यू ऑब्जर्व ए शोइंग मशीन एज पार्ट ऑफ एक्टिविटी फाइव, जैसे सिलाई मशीन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इमेज एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट विल मूव ऑन ए सर्कुलर मोशन, उसका पहिया तो घूमता रहता है लेकिन वो अपनी जगह पे फिक्स होती है। इट इज ऑल्सो ए निडल दैट मूव अप एंड डाउन, इसमें निडल होती है जो ऊपर नीचे घूमती है। एज लॉन्ग एज द व्हील्स रोटेट इट इज नॉटेड, दिस निडल इज अंडरगोज ए पीरियोडिक मोशन, तो जो निडल है ना वो पीरियोडिक मोशन में चलती है, एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती रहती है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ ए बॉल ऑन द ग्राउंड, अब आपने एक बाल को मोशन देखा होगा ग्राउंड के ऊपर, तो उसमें क्या होता है द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड, तो घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। द बॉल अंडरगोज ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, तो बाल में रोटेशनल मोशन भी होता है वो सीधी तो चलती है अपनी जगह बदलती है लेकिन बाल अपने आप में भी घूम रही है अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगोज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, तो ऐसी दूसरी भी चीजें हैं जिसमें कई मोशन एक ही बार में आ जाते हैं। वी डिड मेनी विजिबल एक्टिविटी एंड डिस्कस्ड सम काइंड ऑफ मोशन, वी सॉ दैट मोशन इज ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो समय के साथ अगर उसमें चेंज आता है तो जो है मोशन बोलते हैं। द चेंज इन द पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, तो उसको हम डिस्टेंस कितनी दूर पे है तो मेजर कर लेते हैं कितनी दूर गई है। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो मोशन इज, इससे ये पता चलता है कि मोशन कितना तेज है या स्लो है। द मूवमेंट ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड ए बटरफ्लाई
फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी एक जैसे तितली है या कोई कीड़ा है वो ग्राउंड पे चलता है, तितली है, जोंक वगैरह है, तो ये एक जगह दूसरी जगह चलते रहते हैं। रिवर फ्लोइंग अलोंग द क्लियर राउंडेड पेब